पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारत घोष यात्रा पर 253वां अध्याय। भीष्म का कर्ण की निंदा करते हुए दुर्योधन को पांडवों से संधि करने का परामर्श देना। कर्ण के शोभपूर्ण वचन और दिग्विजय के लिए प्रस्थान। जन्मेजय बोले, मुने, जब महात्मा पांडव उस वन में निवास करते थे, उन दिनों महान धनुर्धर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्रों ने क्या किया? सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य, इन सब ने कौन सा कार्य किया, यह मुझे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, पांडवों द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर जब दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर पहुंच गया और पांडव जाकर पूर्ववत वन में ही रहने लगे, तब भीष्म जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यह बात कही, तात, तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, वही आज भी कह रहा हूं। मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगा और वहां जाकर तुमने जो कुछ किया वह भी पसंद नहीं आया। वीर, शत्रुओं ने तुम्हें वहां बलपूर्वक बंदी बना लिया और धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उस संकट से छुड़ाया है, क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? गांधारी नंदन, सेना सहित तुम्हारे सामने ही सूत पुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत हो युद्ध भूमि से भाग निकला। राजेंद्र राजकुमार, जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे, उस समय महात्मा पांडवों ने जो पराक्रम कर दिखाया था वह भी तुमने प्रत्यक्ष देखा है। महाबाहु, उस समय खोटी बुद्धि वाले सूत पुत्र कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। नृपश्रेष्ठ, धर्मवत्सल, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्माचरण में कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता है। अतः संधि वेत्ताओं में श्रेष्ठ नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए उन महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूं। राजन, भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंस पड़ा और शकुनी के साथ सहसा वहां से अन्यत्र चला गया। महाबली दुर्योधन को अन्यत्र गया जान कर्ण और दुशासन आदि महान धनुर्धरों ने उसका अनुसरण किया। राजन, उन सबको वहां से प्रस्थान करते देख कुरुकुल पितामह भीष्म लज्जित होकर अपने आवास स्थान को चले गए। महाराज, भीष्म के चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट आया और अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगा। मित्रों, क्या करने से हम लोगों की भलाई होगी? हमारे लिए कौन सा कार्य शेष रह गया है? कैसे करने से हमारा कार्य शुभ परिणाम जनक होगा? क्या करने में हमारा हित है? आज इसी विषय पर हम लोगों को विचार करना है। कर्ण बोला, कुरुकुल रत्न दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। महाबाहु, वे तुम्हारे प्रति द्वेष होने से मुझसे भी द्वेष रखते हैं। नरेश्वर, तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निंदा ही किया करते हैं। भारत, तुम्हारे सामने भीष्म ने जो कुछ कहा है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। शत्रुदमन, भरत कुल नंदन, उन्होंने जो पांडवों का यश गाया और तुम्हारी निंदा की है, यह मेरे लिए असह्य है। अतः तुम मुझे सेवक, सेना तथा सवारियों के साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दो। राजन, मैं पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी को जीत लूंगा। जिस भूमि पर चार बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई है, उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लूंगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाला कुरुकुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों देखे। जो अनिंदनीय की निंदा और अप्रशंसनीय की प्रशंसा करता है, वह भीष्म आज मेरा बल देख ले और अपने आप को धिक्कारे। राजन, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी विजय निश्चित है। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूं और शस्त्र छूकर शपथ करता हूं। भरत श्रेष्ठ राजन, कर्ण की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ
उससे कहा, वीर मैं धन्य हूं, तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूं, क्योंकि तुम जैसे महाबली सुहृद सदा मेरे हित साधन में लगे रहते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। वीरवर, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब शत्रुओं का संहार हो सकता है, तब तुम दिग्विजय के लिए यात्रा करो। तुम्हारा कल्याण हो, मुझे आवश्यक व्यवस्था के लिए आज्ञा दो। जन्मेजय, बुद्धिमान दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने यात्रा संबंधी सारी आवश्यक तैयारी के लिए आज्ञा दे दी। तदनंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक शुभ पदार्थों से जल के द्वारा स्नान करके द्विजातियों की आशीर्वादमय वाणी से सम्मानित एवं प्रशंसित हो शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में यात्रा की। उस समय वह अपने रथ की घरघराहट से चराचर भूतों सहित समस्त त्रिलोकी को प्रतिध्वनित कर रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण दिग्विजय विषयक 253वां अध्याय पूरा हुआ। 254वां अध्याय, कर्ण के द्वारा सारी पृथ्वी पर दिग्विजय और हस्तिनापुर में उसका सत्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, तदनंतर महाधनुर्धर कर्ण ने अपने विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना, चांदी, भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश किया। नृपश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय, इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और उन सबसे भी कर वसूल किया। तत्पश्चात उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उनसे कर लिया। तदनंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। अंग, वंग, कलिंग, शुंडिक, मिथिला, मगध और कर्कखंड, इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने आवशीर, योध्य और अहिक्षत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि में पदार्पण किया। वत्स भूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृत्तिकावती, मोहन, पत्तन, त्रिपुरी तथा कोसला, इन सब देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दाक्षिणात्यों में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूत पुत्र कर्ण से कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम जितना सोना ले जाना चाहो उतना मैं प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूं। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश तथा श्री शैल की ओर प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केरल नरेश, राजा नील तथा वेणुदारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीतकर उनसे कर वसूल किया। इसके बाद सूत पुत्र महाबली कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर उसने साम नीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके वृषणिवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवन तथा बर्बर राजाओं को, जो पश्चिम देश के ही निवासी थे, पराजित करके उनसे कर लिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वी को जीतकर मलेच्छ, वनवासी, पर्वतीय, भद्र, रोहितक, आग्रेय तथा मालव आदि समस्त गणराज्यों को परास्त किया।
इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले सूत नंदन कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार पुरुष सिंह महारथी कर्ण नग्नजित आदि महारथी नरेश समुदायों को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौट आया। महाराज, रण में शोभा पाने वाले महाधनुर्धर कर्ण को आया हुआ जान भाई, पिता तथा बंधु बांधवों सहित राजा दुर्योधन ने उसकी अगवानी की और विधिपूर्वक उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण के दिग्विजय की सब ओर घोषणा करा दी। तत्पश्चात उसने कर्ण से कहा, वीरवर, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे भीष्म जी से, आचार्य द्रोण से, कृपाचार्य से तथा बाहलिक से भी जो वस्तु नहीं मिली थी वह तुमसे प्राप्त हो गई। महाबाहु कर्ण, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो। सत्पुरुष रत्न, तुम्हें अपना नाथ पाकर ही मैं सनाथ हूं। पुरुष सिंह, वे समस्त पांडव अथवा अन्य श्रेष्ठतम नरेश तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। महाधनुर्धर कर्ण, अब तुम मेरे पूज्य पिता धृतराष्ट्र के तथा यशस्विनी माता गांधारी का उसी प्रकार दर्शन करो जैसे वज्रधारी इंद्र माता अदिति का दर्शन करते हैं। जन्मेजय, तदनंतर हस्तिनापुर नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकार के हाहाकार सुनाई देने लगे। राजन, कोई तो कर्ण की प्रशंसा करते थे और दूसरे उसकी निंदा। अन्य कितने ही राजा निंदा और प्रशंसा कुछ भी ना करके मौन थे। महाराज, इस प्रकार शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूत पुत्र कर्ण ने पर्वत, वन, खुले स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊंचे नीचे देश, पुर और नगर, द्वीप और जलयुक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वी को जीतकर थोड़े ही समय में समस्त राजाओं को वश में कर लिया और उनसे अटूट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्र के समीप आया। शत्रुसूदन जन्मेजय, धर्मज्ञ वीर कर्ण ने अंतःपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया और पुत्र की भांति उसने उनके दोनों चरण पकड़ लिए। धृतराष्ट्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर विदा किया। भारत, तब से राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण दिग्विजय संबंधी 254वां अध्याय पूरा हुआ। 255वां अध्याय, कर्ण और पुरोहित की सलाह से दुर्योधन की वैष्णव यज्ञ के लिए तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, शत्रु वीरों का संहार करने वाले सूत पुत्र कर्ण ने सारी पृथ्वी को जीतकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कर्ण बोला, कुरुनंदन दुर्योधन, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। शत्रुदमन, मेरी बात सुनकर उसके अनुसार सब कुछ करो। वीर नृपश्रेष्ठ, आज सारी पृथ्वी तुम्हारे लिए निष्कंटक हो गई है। जैसे महामना इंद्र अपने शत्रुओं का संहार करके त्रिलोकी का पालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वी का पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने पुनः उससे कहा, पुरुष श्रेष्ठ, जिसके सहायक तुम हो एवं जिस पर तुम्हारा अनुराग है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम सदा मेरे हित के लिए उद्यत रहते हो। मेरा एक मनोरथ है जिसे यथार्थ रूप से बतलाता हूं, सुनो। सूत नंदन, पांडु पुत्र युधिष्ठिर के उस क्रतु श्रेष्ठ महान राजसूय यज्ञ को देखकर मेरे मन में भी उसे करने की इच्छा जाग उठी है। तुम इस इच्छा को पूर्ण करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने उससे यह कहा, नृपश्रेष्ठ, इस समय भूपाल तुम्हारे वश में है। कुरुकुल श्रेष्ठ, उत्तम ब्राह्मणों को बुलाओ और विधिपूर्वक यज्ञ की सामग्रियों तथा उपकरणों को जुटाओ। शत्रुदमन नरेश, तुम्हारे द्वारा आमंत्रित शास्त्रोक्त योग्यता से संपन्न वेदज्ञ ऋत्विक विधि के अनुसार सब कार्य करें। भरत श्रेष्ठ,
तुम्हारा महायज्ञ भी प्रचुर अन्नपान की सामग्री से युक्त और अत्यंत समृद्धिशाली गुणों से संपन्न हो। राजन, कर्ण के इस प्रकार अनुमोदन करने पर दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर यह बात कही। ब्राह्मण, आप मेरे लिए उत्तम दक्षिणाओं से युक्त क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का यथोचित रीति से विधिपूर्वक अनुष्ठान करवाइए। नरेश्वर, राजा के इस प्रकार आदेश देने पर विप्रवर पुरोहित ने वहां आए हुए अन्य ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार उत्तर दिया। कौरव श्रेष्ठ, नृप शिरोमणे, राजा युधिष्ठिर के जीते आपके कुल में इस उत्तम क्रतु राजसूय का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। महाराज, अभी आपके दीर्घायु पिता धृतराष्ट्र भी जीवित हैं, इसलिए भी यह यज्ञ आपके लिए अनुकूल नहीं पड़ता। प्रभु, एक दूसरा महान यज्ञ है जो राजसूय की समानता रखता है। राजेंद्र, आप उसी के द्वारा भगवान का यजन कीजिए और इसके संबंध में मेरी यह बात सुनिए। पृथ्वीनाथ, ये जो सब भूपाल आपको कर देते हैं, इन्हें आज्ञा दीजिए। ये लोग आपको सुवर्ण के बने हुए आभूषण तथा सुवर्ण कर के रूप में अर्पण करें। नृपश्रेष्ठ, उसी सुवर्ण से आप एक हल तैयार करवाइए। भारत, उसी हल से आपके यज्ञ मंडप की भूमि जोती जाए। नृपश्रेष्ठ, उस जोती हुई भूमि में ही उत्तम संस्कार से संपन्न प्रचुर अन्नपान से युक्त और सबके लिए खुला हुआ यज्ञ यथोचित रूप से प्रारंभ किया जाए। यह मैंने आपको वैष्णव नामक यज्ञ बताया है, जिसका अनुष्ठान सत्पुरुषों के लिए सर्वथा उचित है। पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के सिवा और किसी ने अब तक इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया है। यह महायज्ञ क्रतुश्रेष्ठ राजसूय से टक्कर लेने वाला है। भारत, हम लोगों को तो यही यज्ञ पसंद है और यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता है, अतः तुम्हारी यह यज्ञ विषयक अभिलाषा भी इसी से सफल होगी। इसलिए महाबाहु, तुम्हारा यह यज्ञ आरंभ होना चाहिए। इन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी तथा अपने भाइयों से इस प्रकार कहा। बंधुओं, मुझे तो इन ब्राह्मणों की सारी बातें रुचिकर जान पड़ती हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि तुम लोगों को भी यह बात अच्छी लगे तो शीघ्र अपनी सम्मति प्रकट करो। यह सुनकर उन सब ने राजा से तथास्तु कहकर उसकी हां में हां मिला दी। तदनंतर राजा दुर्योधन ने काम में लगे हुए सब शिल्पियों को क्रमशः हल बनाने की आज्ञा दी। नृपश्रेष्ठ, राजा की आज्ञा पाकर सब शिल्पियों ने तदनुसार सारा कार्य क्रमशः संपन्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन यज्ञ समारंभ विषयक 255वां अध्याय पूरा हुआ। 256वां अध्याय, दुर्योधन के यज्ञ का आरंभ एवं समाप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर समस्त शिल्पियों, श्रेष्ठ मंत्रियों तथा परम बुद्धिमान विदुर जी ने दुर्योधन को सूचना दी। भारत, क्रतुश्रेष्ठ वैष्णव यज्ञ की सारी सामग्री जुट गई है। यज्ञ का नियत समय भी आ पहुंचा है और सोने का बहुमूल्य हल भी पूर्ण रूप से बन गया है। राजन, यह सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ने उस क्रतुराज को प्रारंभ करने की आज्ञा दी। फिर तो उत्तम संस्कार से युक्त और प्रचुर धन धान्य से संपन्न वह वैष्णव यज्ञ आरंभ हुआ। गांधारी नंदन दुर्योधन ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विधिपूर्वक उस यज्ञ की दीक्षा ली। धृतराष्ट्र, महायशस्वी विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा यशस्विनी गांधारी को इस यज्ञ से बड़ी प्रसन्नता हुई। राजेंद्र, तदनंतर समस्त भूपालों तथा ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए बहुत से शीघ्रगामी दूत भेजे। दूतगण तेज चलने वाले वाहनों पर सवार हो जिन्हें जैसी आज्ञा मिली थी उसके अनुसार कर्तव्य पालन के लिए प्रस्थित हुए। उन्हीं में से एक जाते हुए दूत से दुशासन ने कहा, तुम शीघ्रतापूर्वक द्वैत वन में जाओ और पापात्मा पांडवों तथा उस वन में रहने वाले ब्राह्मणों को
यथोचित रीति से निमंत्रण दे आओ। उस दूत ने समस्त पांडवों के पास जाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाराज, कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष नृपति शिरोमणि दुर्योधन अपने पराक्रम से अतुल धनराशि प्राप्त कर एक यज्ञ कर रहे हैं। उसमें बहुत से राजा और ब्राह्मण पधार रहे हैं। राजन, महामना दुशासन ने मुझे आपके पास भेजा है। जननायक महाराज दुर्योधन आप लोगों को उस यज्ञ में बुला रहे हैं। आप लोग चलकर अराजा के मनोवांछित उस यज्ञ का दर्शन कीजिए। दूत का यह कथन सुनकर राजाओं में सिंह के समान महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, सौभाग्य की बात है कि पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा सुयोधन श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं। हम भी उस यज्ञ में चलते, परंतु इस समय यह किसी तरह संभव नहीं है। हमें 13 वर्ष तक वन में रहने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है। धर्मराज की यह बात सुनकर भीमसेन ने दूत से इस प्रकार कहा, दूत, तुम राजा दुर्योधन से जाकर यह कह देना कि सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर 13 वर्ष बीतने के पश्चात उस समय वहां पधारेंगे जबकि रण यज्ञ में अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रज्वलित की हुई रोषाग्नि में वे तुम्हारी आहुति देंगे। जब रोष की आग में जलते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पांडव अपने क्रोध रूपी घी की आहुति डालने को उद्यत होंगे, उस समय मैं वहां पदार्पण करूंगा। राजन, शेष पांडवों ने कोई अप्रिय वचन नहीं कहा। दूत ने भी लौटकर दुर्योधन से सब समाचार ठीक ठीक बता दिया। महाभाग, तदनंतर विभिन्न देशों के अधिपति नरश्रेष्ठ भूपाल तथा ब्राह्मण दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर में आए। उन सब की शास्त्रीय विधि से यथोचित सेवा पूजा की गई। इससे वे नरेशगण अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। राजेंद्र, समस्त कौरवों से घिरे हुए धृतराष्ट्र को भी बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने विदुर से कहा, भैया, शीघ्र ऐसी व्यवस्था करो जिससे इस यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी लोग खान पान से संतुष्ट एवं सुखी हों। शत्रुदमन जनमेजय, धर्मज्ञ एवं विद्वान विदुर जी ने सब मनुष्यों की ठीक ठीक संख्या का ज्ञान करके उन सब का यथोचित स्वागत सत्कार किया। वे बड़े हर्ष के साथ सभी अतिथियों को उत्तम भक्ष्य पेय अन्न पान सुगंधित पुष्पहार तथा नाना प्रकार के वस्त्र देने लगे। वीर राजा दुर्योधन ने सभी को शास्त्रानुसार यथा योग्य निवास गृह बनवाकर उनमें ठहराया था। उसने सब प्रकार से आश्वासन तथा भांति भांति के रत्न देकर सहस्त्रों राजाओं तथा ब्राह्मणों को विदा किया। इस प्रकार सब राजाओं को विदा देकर भाइयों से घिरे हुए दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन का यज्ञ विषयक 256वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।